हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कृष्णा स्टूडियो चैनल। और आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को दा विंची रिजॉल्व में 2D लोगों को 3D में कैसे चेंज कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे। जैसा कि समय हमारे वीडियो में देख रहे हैं, तो ये मेरे पास 2D लोगो था, दा विंची रिजॉल्व का ही लोगो है, और ये PNG लोगो है, इसको हमने 2D से 3D में चेंज किया है। तो आप लोग भी कैसे दा विंची रिजॉल्व में ये सब कर सकते हैं, आप लोगों को यही वीडियो में बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमको सबसे पहले दा विंची रिजॉल्व ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको प्रोजेक्ट का नाम देना जो भी दे सकते हैं। तो मैं आप देखिए, नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर है, यहाँ पे हम जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी नाम दे सकते हैं आप। तो मैं लोगो 3D कर देता हूँ और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे, ये है, आप लोग जानते हैं मीडिया, और ये है कट पेज, और ये है एडिट पेज, और ये है हमारा फ्यूजन पेज। हमको फ्यूजन पेज पर जाना है और मीडिया पुल यहाँ से हम ओपन करेंगे, और यहाँ राइट क्लिक करने के बाद इंपोर्ट मीडिया पर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद एक जो हमारे पास दा विंची रिजॉल्व का लोगो है, इसको ये PNG लोगो है, आप लोगों को भी PNG लोगो यूज़ करना होगा, तो ये PNG लोगो। अब देखिए, इसके बाद हम जो मेरा जो दा विंची रिजॉल्व का लोगो है, इसको लेकर आना है यहाँ विजन में, इसको ब्रेक करके लेकर आएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद ये मीडिया प्रोग्राम बंद करेंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा मीडिया इन नाम है, इसको हम चेंज कर लेते हैं लोगो, F2 प्रेस करेंगे और इसको हम कर देंगे लोगो, और ओके कर देंगे यहाँ पे। अब इसको हम ड्रैग करके ले जाएंगे व्यूअर में। अब ये जो हमारा लोगो है, इसको हमको ये 2D अभी है, और 2D से हमको इसको करना है 3D में। तो हम यहाँ पे एड टूल राइट क्लिक करेंगे, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं, 3D में जाएंगे। तो आपको इसमें देखना है इमेज प्लेन 3D, तो यहाँ पे हम देखते हैं इमेज प्लेन 3D, ये इमेज प्लेन 3D, इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद ये जो लोगो है, इसको अटैच करा देंगे यहाँ पे, और ये जो इमेज प्लेन 3D है, इसको हम व्यूअर में ड्रैग करेंगे। तो देखेंगे जो हमारा ये है लोगो 3D में चेंज हो जाएगा। अब इसको आप जाएंगे ट्रांसफार्म में, आप यहाँ से इसको रोटेट करके देख सकते हैं, यहाँ से जैसे चाहें उस तरीके से इसको देख सकते हैं। इसके बाद अब हमको ये जो लोगो है, इसकी क्वांटिटी बनानी है, तो हम यहाँ से इसकी डुप्लीकेट बनाना है, तो हम फिर से राइट क्लिक करेंगे और एड टूल में जाएंगे, फिर से 3D में जाएंगे, और ये डुप्लीकेट 3D पर हम जाएंगे, इसको लेकर आएंगे। अब इसके बाद इमेज प्लेन 3D को हमको डुप्लीकेट से अटैच करना है, इसको अटैच करेंगे, डुप्लीकेट 3D को फिर से व्यूअर में ड्रैग करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे इंस्पेक्टर की में हम जाएंगे, तो जो हमारा लोगो है, इसकी कॉपी है अभी 2, हमके इसको कॉपी को बनानी है बहुत सारी, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 2 से 100 कर देंगे इसको। अब 100 करेंगे, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं इस तरीके से, इसको हम छोटा कर लेते हैं यहाँ से 25%। तो देखिए जो हमारा जो 100 कॉपी बनाया हुआ है, इस तरीके से आपको शो होगा। तो इस तरीके से आप 100 कॉपी बना लेंगे। तो अब हमको यहाँ पर जो जेट ऑफसेट का क्वांटिटी है, यहाँ पर चेंज कर देना है। मुझे यहाँ पर टाइप करना 0.002 और इंटर। इसके बाद देखेंगे हमारा जो है लोगो इस तरीके से हो जाएगा। इसको अब फिर से हम फिट करके देखते हैं, ऐसे फिट करेंगे तो देखेंगे यहाँ हमारा जो लोगो है, ये 3D से मैं मतलब चेंज हो गया, 2D से 3D में अब लुक दिखने लगा आपको। अब इसके बाद हमको यहाँ पर अटैच कराना है ट्रांसफार्म 3D, तो फिर से राइट क्लिक करेंगे और एड पुल में जाएंगे 3D और ट्रांसफार्म 3D, यहाँ पे है ट्रांसफार्म 3D, इसको लेकर आएंगे और डुप्लीकेट से इसको हम अटैच कराएंगे यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद अब हम आएंगे रोटेशन में यहाँ पे, अभी देखिए वाई पॉइंट है, इसको हम ड्रैग करके इस तरीके से चेंज करेंगे इसकी क्वान्टिटी को, तो इस तरीके से जो हमारा लोगो है ये चेंज होगा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमको इसको रोटेशन करना है, तो हम यहाँ से 0 कर लेते हैं पहले। अब ये जो हमारा प्ले हेड कर्सर है, इसको हम लेकर जाएंगे 0 फ्रेम पे, और ये जो वाई रोटेशन है, इसको हम यहाँ से डायमंड को ऑन करेंगे, और फिर से जो हमारा ये कर्सर है, सबसे लास्ट फ्रेम पर हम लेकर जाएंगे इसको, और यहाँ पे हम फिल कर देंगे 550, इंटर करेंगे। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं, प्ले करके देखिए हमारा जो है लोगो, ये अब इस तरीके से प्ले होगा। प्ले होने के बाद हम अब इसको हमको रेंडर करना है, रेंडरर हम एक जो रेंडरर 3D है, यहाँ पे लेकर फिर से आना होगा हमें, तो यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, फिर से एड टूल पे जाएंगे, 3D में जाएंगे, और रेंडरर 3D हम देखते हैं, ये रेंडरर 3D, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम लेकर आएंगे यहाँ पे, और इसको हम अटैच करा देंगे रेंडरर 3D में। अब इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे, देखेंगे जो हमारा लोगो है, अब ये रुक गया, क्योंकि जो रेंडर 3D है, यहाँ पर रेंडर होने में टाइम लगता है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा रेंडर होने में, देख रहे हैं यहाँ पर रेंडर हो रहा है, तो थोड़ा समय लगा है। रेंडर होने के बाद हम इसको प्ले करते हैं, तो देखिए अब ये जो रेंडर 3D है, अब
हमको जाना है इंस्पेक्टर के में, और यहाँ से ये जो रेंडर टाइप है सॉफ्टवेयर रेंडर है, हम इसको सॉफ्टवेयर से नहीं करेंगे, इसको करेंगे हार्डवेयर से, जो हमारा लोगो है फास्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से रेंडर टाइप पर जाएंगे और इसको हार्डवेयर रेंडर पर कर देंगे। अगर आप लोगों के पास विंडोज यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ओपन जी एल एल ऑप्शन आएगा, आपको ओपन जी एल एल पर क्लिक करना होगा। और ये मेरा मैक है तो मैं यहाँ पे हार्डवेयर रेंडर कर दूंगा। तो देखेंगे अब हमारा जो लोगो है इस तरीके से स्मूथ प्ले हो गया, होने लगेगा। तो अब देखिए हमारा जो लोगो है प्ले होने लगा। अब इसको हमको मीडिया आउट से अटैच कराना है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो टूल बार ओपन हो जाएगा। अब हमको इसमें सर्च करना है मीडिया आउट, मीडिया आउट देखिए, मीडिया आउट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड करेंगे तो हमारा मीडिया आउट आ जाएगा यहाँ पे। इसको ड्रैग कर देंगे व्यूज में, तो अब हमारा जो है देखिए जो लोगो है बिल्कुल 3D लोगो बन के तैयार हो गया है। अब हम जाएंगे एडिट पेज में, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो लोगो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा इस तरीके से। इसकी साइज चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं। फिर जाएंगे हम फ्यूजन टाइम में, और ये ट्रांसफार्म, और यहाँ से स्केल है, आप इसको कम बेसी जितना चाहें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको जाना है फिर से एडिट पेज में। अब ये जो देखिए फ्यूजन कम्पोजिशन, हमको इसको ऊपर कर देना है। इसके नीचे एक बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे हमको जाना है ये जनरेटर्स में, और ये देखिए फोर कलर ग्रेडियंट, आप जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फोर कलर ग्रेडियंट यूज करूँगा, तो हम ड्रैग करके लेकर आएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से अब हम इसको प्ले करेंगे, तो ये हमारा 3D लोगो बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग डाविंसी रिजॉल्व में ये 2D लोगो को 3D लोगो में चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।